हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी आईब्रोज को कैसे शेप देती हूँ मैं घर पर प्लकर की हेल्प से। मैं जब मेकअप करती हूँ अपना, तो मैं पहले अपने जो आईब्रोज के एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उन्हें निकालने में प्लकर की हेल्प लेती हूँ। तो सबसे पहले लिया है मैंने यहाँ पर बेबी जॉनसन पाउडर और अपने पूरे आईब्रो वाली एरिया पर अप्लाई कर लिया अच्छे से। आप कोई भी पाउडर ले सकते हो जो आपके घर में अवेलेबल हो। उसके बाद लिया है मैंने प्लकर। और आप कहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, तो अगर हर टाइम थ्रेडिंग नहीं करा पाते हैं, हर टाइम पार्लर नहीं जा पाते हैं, तो क्या करते हैं, जो प्लकर की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा हेयर हैं वो पहले हम रिमूव कर लेते हैं, देन हम अपनी आईब्रोज़ को फिल करते हैं। तो जो हमारी आईब्रोज़ का जो शेप वो बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले मैं ये, एक्चुअली मेरे ऊपर हेयर नहीं थे, तो जितने भी एक्स्ट्रा हेयर मुझे नीचे दिख रहे थे वो मैंने सारे हटा दिए हैं इस तरह से एक एक करके। और जब आप अच्छे से पाउडर लगा लेते हो और तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। एक्चुअली मैंने एक हाथ से मिरर पकड़ रखा है, आप अगर मिरर के सामने खड़े हो तो आप अपने दोनों हाथ का यूज़ करो। एक हाथ से आप थोड़ा सा स्ट्रेच करने में आपको हेल्प करेगा और दूसरे हाथ से आप आराम से बहुत ईजली हेयर एक एक करके हेयर निकाल सकते हो। तो ये एक्चुअली होता क्या है, जब हम थ्रेडिंग करा लेते हैं तो उसके कुछ ही दिन के बाद हमारे एक्स्ट्रा हेयर इधर उधर निकलने लगते हैं। तो ये बहुत इजीली फंडा है कि आप आराम से प्लकर का यूज़ करें और इस तरह से सारे हेयर को रिमूव कर दें, तो शेप बहुत अच्छा आता है। तो मैं पहले इस तरह से निकाल रही हूँ एक एक करके। उसके बाद में मैं स्पुली लेकर पहले कॉम करके ये चेक कर ले रही हूँ कोई एक्स्ट्रा हेयर रह तो नहीं गया है। और जो मेरे ऊपर के थोड़े से बड़े हेयर हैं उनको मैं सीजर से कट कर लूँगी। मेरा जो छोटा सीजर था वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे बड़े सीजर यूज़ कर लिया है। तो बहुत थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा हेयर कट कर दिए हैं और उसके बाद में मैं कॉम करके देख लूँगी, और अगर मुझे एक आध और भी लग रहे हैं तो मैं उन्हें भी निकाल दूँगी, ताकि जो जब मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूं तो उसका जो शेप है बहुत अच्छा है। तो मैंने पहले प्लकर से पूरे हेयर निकाल दिए हैं, उसके बाद में मैंने अपनी आईब्रोज को फिल करके आपको दिखाया है कि शेप इतना अच्छा आता है। आप चाहे किट यूज़ कर रहे हो या कोई पेंसिल यूज़ कर रहे हो, और यूज़ करने से पहले आप ये वाली ट्रिक ज़रूर करो, ताकि अगर आपको अच्छा वाला शेप चाहिए। उसके बाद में मैं फिर से स्पुली की हेल्प से मैं काम करके देख ले रही हूँ कि कोई भी एक्स्ट्रा हेयर रह तो नहीं गया है। और उसके बाद में मैं लगाऊंगी एलोवेरा जेल। आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद में ले रही हूँ ये मिस रोज़ का पैलेट, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। उसके बाद में आप लोगों को फिल करके दिखाऊंगी कि शेप कितना ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसे मैंने ब्राउन कलर पे किया है। आप चाहो तो आप पेंसिल भी यूज़ कर, जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो आप पहले ये वाली ट्रिक कर लो, उसके बाद में आप आराम से अपनी ब्राउज को फिल करो। तो मैं इस तरह से ब्रश की हेल्प से फिल कर रही हूँ। वीडियो पे न्यू है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए ये मेरा शेप कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।